हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन और सोने चांदी की खरीदारी करने की परंपरा है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि ये वो तिथि है जिसे बहुत ही सौभाग्यशाली तिथि माना जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के भी नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए हुए दान, स्नान, यज्ञ, जप और पूजा पाठ, इन सभी कर्मों का जो फल है बहुत ही अनंत और अक्षय होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी की पूजा के कई गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साल 2021 की अक्षय तृतीया की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। साथ में मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करके सुनेंगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और सोने चांदी की खरीदारी भी की जाती है। ये दिन विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। पुराणों में भी इसका विशेष महत्व है। इसी दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। यह दिन इतना शुभ होता है कि बिना किसी मुहूर्त के, जी हाँ, बिना किसी मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की जो तिथि होती है वह स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। इस दिन दान, स्नान, पूजा पाठ किया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 14 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। जी हाँ, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग कई शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर नई चीज़ों की शुरुआत करना काफ़ी फलदायक होता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखा जाता है। अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी के साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर दोस्तों पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने अक्षय तृतीया के दिन से ही महाभारत लिखना शुरू किया था। इसके साथ ही सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के आरंभ की गणना भी अक्षय तृतीया से ही मानी गई है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2021 में अक्षय तृतीया का पर्व 14 मई शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पूजा का मुहूर्त होगा 14 मई शुक्रवार प्रातःकाल 5:38 से दोपहर के 12:40
28 मिनट तक। और तृतीय तिथि आरंभ होगी 14 मई शुक्रवार प्रातःकाल 5:38 पर और 15 मई प्रातःकाल 7:59 पर तृतीय तिथि समाप्त होगी। गोल्ड खरीदने का जो शुभ समय है वो 14 मई प्रातःकाल 5:38 से 15 मई 5:30 तक है। मुहूर्त की कुल अवधि होगी 23:52 की। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजन विधि। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करें। अब विष्णु भगवान जी को तुलसी और पीले फूलों की माला अर्पित करें। फिर पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, दान करना बेहद शुभ और पुण्यदायी फल माना जाता है। आज के दिन भगवान को नैवेद्य के रूप में जो जौ और गेहूं, सत्तू और ककड़ी, चने की दाल ये अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म भी हुआ था, इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ परशुराम की भी पूजा विधि पूर्वक की जाती है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीदने का महत्व। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त होते हैं, जिसमें से पहला जो है विशेष स्थान अक्षय तृतीया को ही प्राप्त है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सभी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश है या पदभार ग्रहण है या फिर वाहन खरीदना है या फिर भूमि पूजन है, ये सब शुभ कार्य करना अत्यंत ही लाभदायक और फलदायी होते हैं। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन गोल्ड जरूर खरीदना चाहिए। जिस तरह से अक्षय का अर्थ है कि जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसी तरह से आज के दिन जो भी खरीदा जाता है या जो भी शुभ काम किए जाते हैं कभी खत्म नहीं होते, उनका शुभ फल प्राप्त होता ही रहता है, उनका कभी क्षय नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सर्वसिद्ध और अबूझ मुहूर्त। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कोई भी मांगलिक कार्यों के लिए अक्षय तृतीया तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, जहां मांगलिक कार्यों को करने के लिए ये जो शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, देखना पड़ता है। वहीं अक्षय तृतीया पर ऐसी सर्वसिद्धि तिथि होती है जिसमें किसी भी अबूझ मुहूर्त को, किसी भी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इस तिथि को अबूझ मुहूर्त में शामिल किया जाता है। इस दिन गोल्ड खरीदने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। माना जाता है कि इस दिन गोल्ड खरीदने से साथ में आप चांदी भी खरीद सकते हैं। अगर गोल्ड नहीं खरीद सकते तो चांदी खरीद सकते हैं। गोल्ड की जगह आप पीतल का कोई भी बर्तन, कुछ भी मतलब खरीद सकते हैं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक खरीदें। लेकिन गोल्ड खरीदना यानी कि सोना चांदी खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया पर भूल कर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इस दिन किसी भी तरह के गलत कार्य को करने से बचना चाहिए। किसी को अपशब्द ना कहें, किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और मांस मदिरा अल्कोहल का सेवन ना करें। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करना चाहिए। आइए अब मैं आपको
भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। अक्षय तृतीया को लेकर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से एक कथा प्रचलित है। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार पर उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के स्वरूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर पोहा ही था। पोहा आप जानते होंगे, एक मुट्ठी पोहा था। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा संकोच कर रहे थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने मुट्ठी भर पोहा सुदामा के हाथ से ले लिया, छीन लिया और बड़े ही खुशी के साथ उसे खाया। सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, मेहमान थे। श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया था। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी कहना उन्होंने उचित नहीं समझा और वे बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोंपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। सुदामा को ये समझते देर न लगी कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति के लिए इस दिन को काफ़ी महत्व दिया जाता है, यानी कि धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं, अपने परिवार की समृद्धि के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए और शांत मन से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या फिर श्वेत गुलाब, सफ़ेद गुलाब या सफ़ेद कमल के फूल अर्पित करें। धूप दीप अगरबत्ती और चंदन आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को लाइक भी कीजिए। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं दोस्तों, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।